सर्वेभ्यो नमः। मेरे आत्मीयजन, मेरे सभी प्रियजन, आज निंदकों की इज्जत करनी चाहिए, यही विषय लेकर अपनी बात कहने आया हूं। निंदकों की इज्जत करनी चाहिए। निंदक क्या क्या करते हैं और क्यों उनकी इज्जत करनी चाहिए? निंदकों के पालने पोसने से स्वयं को बहुत फायदा होता है। निंदक नेड़ा राखिया आंगन कुटी छवाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल किया स्वभाय। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदकों को अपने घर में आंगन में कोई अच्छा सा कक्ष दे करके रखना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, ताकि वह हमेशा आपकी कमियों को बताता रहे। और बाहर की मैल तो आप साबुन से पानी से धो करके छुड़ा लेते हैं, पर आपके अंदर की मैल जो है छुड़ाने का काम निंदक का है। निंदा करके रस लेने वाले भी उसी में शामिल हैं, क्योंकि निंदा का रस सर्वोपरि रस है। बड़ा आनंद आता है निंदा सुनने में बहुतायत लोगों को, और उंगली कर कर के पूछते हैं कि और बताओ आगे क्या क्या कहना चाहते हो। फिर वह निंदक खूब मस्ती में जो है दूसरों की खूब निंदा करता है, द्वेष पूर्वक, ईर्ष्या पूर्वक, क्योंकि जिसकी निंदा करता है वह आदमी आगे बढ़ रहा होता है, और जो कोई भी आगे बढ़ रहा होता है उसके निंदा करने वाले दो चार जरूर होते हैं। इसी कारण वह आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि बताया गया है कि निंदा करने से जिस व्यक्ति की निंदा की जा रही है उसके जन्म जन्मांतर के पाप निंदक के साथ जुड़ जाते हैं। जो निंदा कर रहा है उसके साथ उसके यानी जिसकी निंदा की जा रही है उसके सभी पाप जुड़ जाते हैं निंदा करने वालों के मत्थे। एक प्रसंग सुनाता हूं। इस प्रसंग में भी एक स्त्री ही है, मेरे पास आई और कही कि वह इतना बेईमानी करता है लेकिन बहुत आगे बढ़ गया है, और हम लोग इतनी ईमानदारी से जीवन जीते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन हमेशा परेशानियां रहती हैं। इस तरह की बात करने वाले बहुत लोग भी हैं, जो हमसे कई लोगों ने इस प्रकार से कहा है कि देखिए वह जो है ठगी करता है, घुसखोरी करता है, न जाने कहां कहां से जो है ला करके वह आगे बढ़ गया है, 6 मंजिला घर बनवा लिया है, बड़े बड़े प्लॉट खरीद लिया है, फैक्ट्री बना लिया है, और न जाने कितने लोगों से उसके जो है परिचय है, लेकिन सब जगह वह फ्रॉड करता है, गलत करता है, फिर भी वह आगे बढ़ गया है। तो हे निंदकों, आप लोगों के लिए बात बता दे रहा हूं कि आप जो उसके निंदा करते हो इसी कारण से वह आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके किए हुए सारे पाप तुम ले लेते हो, कह के उसकी निंदा करके ले लेते हो उसके पाप जो वो पाप करता है, ठगी करता है, चोरी करता है, चाहे बेईमानी करता है, भ्रष्टाचारी करता है, कुछ भी करता है, क्योंकि देखा जाए तो निंदकों की फितरत होती कैसे है, खुद कामयाब होते नहीं है, बेकारी झेल रहे होते हैं, मन से बुद्धि से पैदल होते हैं,
किसी काम के नहीं होते हैं तो निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उन सबों के अंदर रहता है, इसी कारण निंदा करते हैं। सभी जगहों पर धर्मशास्त्रों में निंदा करने की मनाही की गई है, लेकिन सभी शास्त्र पढ़ने वाले लोग पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। तो पोथी पढ़ने ठीक है, पढ़ने चाहिए, लेकिन उसका सार तत्व तो जब अपने दिध्यासन अपने अंदर जब आप डालेंगे और तद्रूप आप होने लगेंगे, तब समझा जाएगा कि आपने शास्त्र के जो है अच्छे अच्छे सुभाषित सुक्तियों को आपने अपने भीतर उतारा है जीवन में। तो सभी धर्मशास्त्रों में निंदा की मनाही की गई है, लेकिन सभी शास्त्र पढ़ करके निंदा करते हैं, तो क्या फायदा आपके पढ़ने का? शास्त्र को बोझ मत बनाओ, लकड़ी का बोझ। यदि तुमने उसमें से कुछ पाया नहीं, सार नहीं पाया, जीवन में उतारा नहीं, तो लकड़ी का बोझ ही है, यही समझ लो। इसलिए पढ़ो, गुनो, सहजता से जीवन में उतारो, पालन होने लग जाए, क्रियाशील हो जाओ, तब समझा जाएगा कि शास्त्र ने आपको वरण किया। नहीं तो पलटते रह जाइए, पेज पलटते रह जाइए। बहुत कठिन कठिन बड़े बड़े शब्द आते हैं। मैं व्याकरण शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते सब देखा हूं, फिर भी मैं सहजता से अपनी बात कहना यह उचित समझता हूं। इसलिए निंदकों का सम्मान करना चाहिए। जगह जगह कहा गया है, दुर्जनम प्रथमम वंदे, सज्जनम तदनंतरम, मुख प्रक्षालनात पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। शौच के लिए जब आप जाते हैं तो मुख प्रक्षालन से पूर्व गुदा प्रक्षालन करना होता है। ठीक उसी प्रकार दुर्जन को देख करके आप पहले प्रणाम करिए, सज्जन को तो बाद में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सज्जन तो सज्जन ही है। तो जो निंदा करते हैं, दुर्जनता करते हैं, सटता करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, जो नहीं है वो बोलते हैं, इस प्रकार से जो है ताना बाना गुन करके जो है आपको फंसाते हैं, आपके साथ बेईमानी करते हैं, फिर आपकी निंदा भी करते हैं, तो ऐसे निंदक आपकी धुलाई कर रहे हैं। जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं उनकी धुलाई कर रहे होते हैं, तो आप तो पवित्र हो रहे हो और चढ़ रहा है उसके मथे। जो निंदा कर रहा है वही झेलेगा। इसलिए निंदा करने की मनाही की गई है शास्त्रों में, क्योंकि निंदा करने से सभी प्रकार के पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप जिसकी की जाती है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप निंदा करने वाले के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। फिर वह जो है बेरोजगार होगा, नाकाम होगा, बिल्कुल कहीं का नहीं रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि जो है मन बुद्धि ये सब जो है ब्लॉक हो जाएंगे, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाएगा, सोचना विचारना सब उसका जो है बेकार व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का वह आदमी नहीं रहेगा। इसलिए निंदा करने की मनाही की गई है। ठीक है, रखते हैं, कोई बात पूछनी हो तो आप सब टिप्पणी में सहजता से लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की।
नमो नमः।